two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect time. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय माइटी चैनल हेयर। तो अगर आप यहाँ पे पोको F4, शोमी 11 लाइट, एनी 5G, शोमी 11i इंडिया के यूज़र हैं तो आपके डिवाइस के लिए MIUI 14 इंडिया में रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स पूछ रहे हैं कि इन डिवाइसेस में MIUI 14 इंडिया अपडेट्स MI पायलट से पब्लिक का कब तक रिलीज़ किए जाएंगे। तो इस वाली वीडियो में आप सभी को एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे MI पायलट्स में इन सारे डिवाइसेस में MIUI 14 के स्टेबल अपडेट्स कब तक रिलीज़ किए गए थे और अब इनको MI पायलट से पब्लिक में कब तक रिलीज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Xiaomi 11 Lite NE 5G की। तो ये डिवाइस इंडिया में भी है और इसको इंडिया में MIUI 14.0.3.0 का MI पायलट पे टेस्टर अपडेट देखने के लिए मिल चुका था और ये अपडेट यहाँ पे 13 फरवरी को रिलीज़ किया गया था। तो आज यहाँ पे 22 फरवरी हो चुकी है लेकिन इसको अभी तक MI पायलट से पब्लिक में अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो यहाँ पे इस अपडेट का साइज़ 4.2 GB का हम सभी को MIUI 13 से देखने के लिए मिल चुका था और इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए देखने के लिए मिल गई होगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट्स की न्यूज़ या जो भी न्यूज़ आती है वो सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है, तो ज्वाइन बिल्कुल भी करना मत भूलना। तो यहाँ पर MIUI 14.0.3.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट 13 फरवरी को MI पायलट टेस्टर्स के लिए रिलीज़ कर दिया गया था। तो यहाँ पे आज 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको सिंपली 5 दिन का वेट और करना है। आपको पता है मेजर अपग्रेड 1 से 2 हफ्ते का टाइम यहाँ पे ले सकते हैं MI पायलट से पब्लिक में आने के लिए। तो ये तो बात हो गई Xiaomi 11 Lite NE 5G की कि आपको थोड़ा सा वेट और करना है और होपफुली कि ये अपडेट यहाँ पे सस्पेंडेड ना हुआ हो। तो अब बात करते हैं Xiaomi 11i की। तो यहाँ पे Xiaomi 11i के लिए भी MIUI 14.0.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए रिलीज़ कर दिया गया था और ये अपडेट यहाँ पे 14 फरवरी को रिलीज़ किया गया था। इसी के साथ इस अपडेट का साइज़ आपको 3.6 GB MIUI 13 से देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे फाइनली MIUI 14 का स्टेबल अपडेट हम सभी को बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। इसी के साथ ये अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये वाला अपडेट भी अभी केवल MI पायलट्स के लिए रिलीज़ किया गया है, तो सिंपली थोड़ा सा वेट और कीजिए, इस वाले वर्जन को MI पायलट से पब्लिक में बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। 2 हफ्ते का टाइम कम से कम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, 1 से 2 हफ्ते का टाइम, क्योंकि ये मेजर अपग्रेड है। तो आपको सिंपली 28 फरवरी तक वेट करना है, आपको ये अपडेट पब्लिक में देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे बात हम निकल ली Xiaomi 11 Lite NE 5G की और Xiaomi 11i की। अब बात करते हैं Poco F4 की। तो यहाँ पे Poco F4 एक फेमस डिवाइस है जिसमें ग्लोबल और इंडिया में MIUI 14 हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। ग्लोबल और यूरोप में इस अपडेट को फुली रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन इंडिया के लिए ये जो अपडेट रिलीज़ हुआ है, ये अपडेट यहाँ पे 17 फरवरी को रिलीज़ हुआ था और इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स सब कुछ मैं ऑलरेडी भी पोस्ट कर चुका था अपने टेलीग्राम चैनल पर। और इसी के साथ इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स, इस अपडेट के स्क्रीनशॉट सब कुछ आपको देखने के लिए मिल गए होंगे। इसके रिगार्डिंग मैं पूरी वीडियो भी अपलोड कर चुका था और इस वाले अपडेट में आपको जियो 5G का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये अपडेट यहाँ पे 17 फरवरी को MI पायलट में रिलीज़ किया गया था, तो सिंपली 2 हफ्ते के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको सिंपली 3 मार्च तक यहाँ पे वेट करना है। 3 मार्च तक आपको ये अपडेट MI पायलट से पब्लिक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब सिंपली थोड़ा सा वेट और कीजिए। अगर आप Poco F4 डिवाइस के यूज़र हैं
MIUI 14 का अपडेट कर रहे थे आपके डिवाइस के लिए, इंडिया रीजन्स में Xiaomi 11i, Xiaomi 11i 10e 5G और Poco F4 के लिए MI Pilot टेस्टर्स में रिलीज़ हो चुके हैं और अब इन वाले अपडेट्स को MI Pilot से पब्लिक में बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। जब भी रिलीज़ किया जाएगा इनके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यही थी आज की पूरी वीडियो, MIUI 14 के स्टेबल अपडेट्स Xiaomi 11i 10e 5G, Poco F4 और Xiaomi 11i से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आप इस वाले YouTube चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।